यहाँ की सच में फील आती है ट्रैकिंग की ना, बाकी थोड़ा वो एडवेंचर टाइप रास्ता है और पिक्चर्स में तो इतना शो नहीं होता था नहीं। और आज मैं चल भी रहा हूँ सही। हाँ, तो दौड़ रहा है आज। लाइक दैट पिकनिक करो, दोस्तों से मिलो। और सबसे अच्छी बात शांति वाली सुकून। क्या व्यू है यार, स्विट्ज़रलैंड तकरीबन सारे का सारा ही जो है वो नेचर से घिरा हुआ है। हर तरफ माउंटेंस और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और इन चीज़ों की कमी स्विट्ज़रलैंड में कभी आपको महसूस नहीं होगी। वैसे तो हमें अपने मुल्क में जो है इस तरह के एरियाज़ में इस तरह के पॉइंट्स को विज़िट करने के लिए हमें जो है नॉर्दर्न साइड्स पे जाना पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन पूरा का पूरा स्विस इस नेचर और इस खूबसूरती से भरा पड़ा हुआ है। तो आप इसको जितना भी एक्सप्लोर करें शायद उतना ही कम होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर की जा सकती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर की जा सकती है। अभी जिस सिटी में मैं हूँ उस सिटी से थोड़ा सा हट के एक ट्रैकिंग पॉइंट था, अब इस जगह का नाम भूल चुका है मुझे। तो उस ट्रैकिंग पॉइंट पे मैं अभी आया हूँ ट्रैकिंग करके, चल के दौड़ के चल फिर के। तो बहुत पीक लेवल पे है ये, थोड़ा हाई है, इससे पूरा सिटी का जो है आपको व्यू देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, इवनिंग में यहाँ पर आके आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, आपको अच्छा फील होता है जब। और स्पेशली मुझे तो नेचर के जितना भी मैं ज़्यादा करीब रहूँ मेरे लिए बेटर होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एक रिलैक्सेशन फीलिंग आती है, रिलैक्स फील करता हूँ। तो अभी यहाँ पर आया हूँ तो अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। Thank you.
मास्क ही जो है क्योंकि कोई है अभी जा रही है लाइट है।